हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज हम इस कलर की वूल से और यहाँ पर देखिए नीडल ली है मैंने 10 नंबर। इसे बहुत ही सुंदर हम एक डिफरेंट नीटिंग डिजाइन बनाएंगे। जितना डिजाइन देखने में सुंदर रहेगा फ्रेंड्स, उतना ही बनाने में बिल्कुल ही आसान डिजाइन रहेगा। इस डिजाइन को आप बच्चों के स्वेटर में, कार्डिगन में, जैकेट में, कैप में, सॉक्स में, किसी में भी डालिए, सभी में डल के रेडीमेड से भी सुंदर डिजाइन बन के आएगा। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं कि ये डिजाइन हमने किस तरह से बनाया है। तो देखिए यहाँ पर मैंने सिंगल धागे से फंदे डाले। फंदे डाल के हम यहाँ पर स्टार्टिंग से इस डिजाइन को शुरू करेंगे। आप कोई भी बॉर्डर बनाइए, बॉर्डर बनाने के बाद आप ये सिलाई यहाँ से स्टार्ट कीजिए, पहली सिलाई। या आप बगैर बॉर्डर के भी इस डिजाइन को बनाएंगे तो बहुत सुंदर डिजाइन बन के आएगा। तो मैंने यहाँ पर बॉर्डर नहीं बनाया, वो आपकी मर्जी है, आप बॉर्डर बनाएंगे या नहीं, लेकिन मैंने बॉर्डर नहीं बनाया है। यहाँ से मानिए डिजाइन की हमारी पहली सिलाई सीधी सिलाई। पहली सिलाई को हम सीधी साइड से पूरी सिलाई को ऐसे सीधा सीधा बनाते हुए हम कंप्लीट करेंगे। तो बहुत ही सुंदर डिजाइन है और बिल्कुल गफ डिजाइन बन के आएगा। इसमें ठंड भी नहीं लगेगी और आसान डिजाइन है। तो देखिए पहली सिलाई को मैंने सीधी साइड से सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट किया। डिजाइन की दूसरी सिलाई को हमने किस तरह से बनाना है थोड़ा सा ध्यान से देखिए। पहले फंदे को उतार के धागा पीछे करेंगे। अब हमने क्या करना है, ये एक फंदा छोड़ के इसके पीछे से यहाँ से हम होल से नीडल डालेंगे, एक फंदा यहाँ पर सीधा बनाएंगे और इसको थोड़ा सा लूज बनाएंगे। अगले फंदे को हम ऐसे, जो ये पहले वाला फंदा था, इसको सीधा बन लेंगे। फिर से एक फंदा छोड़ के यहाँ पर सीधा फंदा बनाएंगे इस तरह से। फिर से ये फंदा जो पहले वाला, इसको फिर से सीधा बनाएंगे इस तरह से। तो फिर से हमने ये फंदा छोड़ के इसके पीछे से ऐसे होल से नीडल डालेंगे और सीधा फंदा ऐसे बनाएंगे इस तरह। और जो ये वाला फंदा, इसको हमने बैक लूप से सीधा बुन लेना। फिर से अगला फंदा होल से निकाल के पीछे से सीधा और इस पहले वाले को बैक लूप से सीधा बुन लेंगे। फिर से अगले वाले फंदे को सीधा पीछे से होल से निकाल के और इसको फिर से सीधा। तो इसी तरह से हम पूरी सिलाई को, दूसरी सिलाई को उल्टी साइड से बनाते हुए हम कंप्लीट करेंगे। तो बहुत ही आसान डिजाइन है और बिल्कुल डिफरेंट डिजाइन है। इस डिजाइन को एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको हमारा डिजाइन कैसा लगा। होल से निकाल के फिर से सीधा, एक यहाँ पर होल से निकाल के फिर से बैक लूप से सीधा फंदा, फिर से होल से निकाल के सीधा फंदा, फिर से बैक लूप से सीधा फंदा, फिर से होल से निकाल के सीधा फंदा, फिर से बैक लूप से सीधा फंदा, फिर से होल से निकाल के सीधा फंदा, फिर से बैक लूप से सीधा, लास्ट वाले फंदे को सीधा बनाएंगे। तो ये यहाँ पर देखिए दूसरी सिलाई को हमने उल्टी साइड से बनाते हुए कंप्लीट किया। डिजाइन की यहाँ पर तीसरी सिलाई है और सीधी सिलाई। तीसरी सिलाई को हमने किस तरह से बनाना, थोड़ा सा इसे भी ध्यान से देखें। पहले फंदे को तो ऐसे ही उतारेंगे। जो हमने इधर से फंदा बनाया था उसको तो हमने सीधा बनाना है, धागा अपनी ओर करके। जो होल से फंदा हमने निकाला था उसको ऐसे ही उतारना है, धागा पीछे करेंगे। फिर से धागा पीछे किया, फिर से इस फंदे को, बनाए हुए को जो उल्टी साइड से बनाया था उसको सीधा बनाना है, धागा अपनी ओर, जो होल से निकाल के फंदा बनाया था उसे स्किप करना है। तो इस फंदे को सीधा बनाएंगे, होल से निकले हुए फंदे को स्किप करेंगे।
तो ये हमारी यहाँ पर तीसरी सिलाई है डिजाइन की और सीधी सिलाई। ये डिजाइन बहुत ही जल्दी जल्दी बनने वाला डिजाइन है। सीधा धागा अपनी ओर होल से निकाला हुआ स्किप। अगला फंदा सीधा धागा अपनी ओर होल से निकाला हुआ स्किप। धागा पीछे सीधा फंदा धागा अपनी ओर होल से निकाला हुआ स्किप। धागा पीछे सीधा फंदा होल से निकाला हुआ स्किप। धागा पीछे एक फंदा सीधा जो उल्टी साइड से बनाया था धागा अपनी ओर होल से निकाला हुआ फंदा स्किप। एक फंदा सीधा धागा अपनी ओर होल से निकाला हुआ स्किप। धागा पीछे एक फंदा सीधा धागा अपनी ओर होल से निकाला हुआ स्किप। धागा पीछे लास्ट का फंदा सीधा। तो ये देखिए यहाँ पर हमने तीसरी सिलाई को बना के कंप्लीट किया डिजाइन की। यहाँ पर देखिए चौथी सिलाई यहाँ पर और हमारी सीधी सिलाई। चौथी सिलाई को हमने किस तरह से बनाना है, अब हमने इस फंदे को ऐसे ही उतारेंगे और जो ये एक होल से और एक सीधा बैक लूप से दो का एक करना है इस तरह से। अब हमने हर जोड़ों जो ये जोड़े दिखाई दे रहे हैं दो फंदे एक होल से और एक बना है दोनों का एक करना है इस तरह से। दो फंदों का एक फंदा सीधा, फिर से दो फंदों का सीधा फंदा, 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 फिर से दो फंदों का सीधा फंदा। तो इस तरह से हमने ये अपनी सिलाई को बनाते हुए कंप्लीट करना है। इस तरह लास्ट वाले फंदे को सीधा बनाया है। सिलाई हमने उल्टी साइड से बना के कंप्लीट की डिजाइन की पांचवी सिलाई। पांचवी सिलाई को हमने किस तरह से बनाना, थोड़ा सा इसे ध्यान से देखिए। इस सिलाई को हमने सेम पहली सिलाई की तरह ही बनाएंगे सीधा सीधा। ये एक सिलाई और बना के दिखा देती हूँ ताकि डिजाइन क्लियर से आपको दिखाई दे। तो इस रो को हम पूरी रो को पहली रो की तरह ही यानी कि पहली सिलाई की तरह ही पांचवी सिलाई को सीधा सीधा बनाएंगे। सिर्फ चार सिलाई का डिजाइन है, बहुत ही सुंदर डिजाइन बनेगा। तो इस डिजाइन को एक बार आप जरूर ट्राई कीजिए। ये देखिए हमने पांचवी सिलाई को सेम पहली सिलाई की तरह ही सीधा सीधा बनाते हुए कंप्लीट किया डिजाइन की। तो ये देखिए पांचवी सिलाई को मैंने सेम पहली सिलाई की तरह ही बनाते हुए कंप्लीट किया। तो यहाँ से देखिए सीधी साइड से डिजाइन हमारा देखिए इस तरह से बनता हुआ आएगा। तो फ्रेंड्स अगर हम इसी डिजाइन को थोड़े से मैं आपको बड़े में दिखाती हूँ कि किस तरह से बनता हुआ आएगा। तो ये देखिए डिजाइन का फाइनल लुक कुछ इस तरह से बनता हुआ आया है। तो फ्रेंड्स डिजाइन आपके सामने है। अगर आपने मेरा डिजाइन पसंद आए, बताने का तरीका पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। मिलती हूँ फ्रेंड्स अगली नई अच्छी सी वीडियो के साथ। तो बने रहे इसी तरह से आप हमारे चैनल के साथ।